ओम शांति। 18/4/2023 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो, तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस बन बाप को याद करेंगे, उतना विक्रमाजीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे, इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। आज मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है, माया दुश्मन से लिबरेट करना है। दूसरा है, देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है, जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है, विक्रमाजीत बनना है। आज का वरदान है एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसे कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा समर्थ की निशानी ही है बाप समान, तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। आज का स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। मुरली विस्तार से आज गीत बजा ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का अथवा बाप की शरण में आए हो, यह कोई लौकिक बाप नहीं, यह है पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है, तुम बच्चे ही जानते हो यह है दुख धाम आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो, तुम शरणागति हो, माया ने महान दुखी बनाया है। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वह माया ने बर्बाद कर दी है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं, यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। जिसकी शरण में जब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है, यह अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया है। भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जबकि तंग है तो ड्रामा अनुसार
जो स्वर्ग के थे उन्हों को ही माया दुश्मन बनी है, या कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो कि हम इस आफत से कैसे छूटे। बाप आकर हमको अपना बनाए, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय रिफ्यूजी हो, आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना, जाकर ऐश्लम अथवा शरण लेते हो। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थी। यह यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत मालामाल सुखी था, जिसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है, अभी तो वही भारत कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। किसने बनाया? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। बाप कहते हैं आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है। अब तुम प्रभु का ऐश्लम मांगते हो, भगवान आओ हम आप पर बलिहार जाएं। भारत को फिर से हीरे जैसा परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं, इसलिए भक्त भगवान को याद करते हैं। हे ईश्वर शरण लो, कहते भी हैं लाज रखो, आप रहम दिल हो, फिर कह देते सर्वव्यापी। इसको धर्म ग्लानी कहा जाता है। तुम जानते हो माया ने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है तब मैं आता हूँ। अपने धर्म को भी नहीं जानते, यह है भावी। जब धर्म लोप हो जाए तब तो बाप आकर फिर से स्थापन करे। अब वह धर्म प्रायः लोप है, यह ड्रामा अनुसार होता है। तब ही बाप आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की तुमने शरण ली है। माया पर जीत पानी, तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को भूल गए हो, माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी ग्लानी की बातें लिख दी हैं। तुम जानते हो राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके। बाप तो है स्वर्ग का रचयिता, यह आत्मा ही बात करती है। तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही लेप छेप में आती है। वह समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ ना कुछ दोष लगता है। उसके लिए गंगा स्नान करते हैं, परंतु गंगा जल से तो पाप कट ना सके, इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है निराकार, शिव जयंती मनाते हैं परंतु कोई भी जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है परंतु वह कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ नहीं जानते हैं। जरूर कोई शरीर में आए होंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी है। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। यह शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, उनको भागीरथ अथवा नंदी गण भी कहते हैं।
कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़ी ही निकलती है। इसलिए बाप कहते हैं इन वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे को तो आना है, तुमको आकर शरण लेते हैं। तुमको मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण क्या चीज है। अब तो रावण राज्य है, रावण की आसुरी मत पर चलने वाले हैं। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला है रावण, वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला है राम। शिव बाबा गीत भी सुना, शिवाय नमः, ब्रह्मा संग विष्णु शंकर देवाय नमः कहेंगे, ऐसे नहीं। ब्रह्मा परमात्माय नमः कहेंगे, नहीं। परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है, यह पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। गॉड फादरली कॉलेज है, भगवानुवाच है ना, नाम ही लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है ना, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रात को भी जाग कर बाप को याद करो। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही जाना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाप तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है, वहां माया होती नहीं, सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो दैवी गुण वाले थे वह अभी आसुरी गुणों वाले बन पड़े। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह कॉलेज है, जब तक विनाश वो बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, वह मिटा नहीं है, मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं समझते कि यह पतित दुनिया है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद, तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, यह है स्वदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो ना सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको एडम आदम कहते हैं, वही इस सारे जीनोलॉजिकल ट्री का हेड है। सो तुम जानते हो हम रुद्रमाला के दाने हैं, हम आत्माएं वहां से आती हैं। हमारा निवास स्थान वह परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यह सब बातें तो पतित मनुष्य समझा न सके, पतित से पावन तो बाप ही बनाएंगे। वही सर्व पर दया करने वाला है, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन न सके, यह तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, जब बहुत दुखी बन पड़ते हैं तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरनर से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह तो है मृत तृष्णा के समान,
अभी माया भी फॉरनर है, आधा कल्प से राज्य किया है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, इसलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिबरेट करने, अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो, तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है, प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, भारत स्वर्ग थाना। अब तुम परमपिता परमात्मा की शरण में आए हो, बाप से बेहद का वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है, तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। माया ने भस्मासुर बना दिया है, बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, बाप की शरण भी लेते हैं। फिर माया ट्रेटर बना देती है, फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी कोई सोवर्निटी तो है नहीं, बाप आकर डेटी सोवर्निटी स्थापन करते हैं। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सोवर्निटी प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इसको कहा जाता है अधर्म। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है, बाप फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन कहते हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए माइट भी नहीं है। यह भी अल्पकाल का स्वराज्य है, आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाएंगे। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विक्रमाजीत बनेंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दी, बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने। पापों का बोझा बहुत है, बाप कहते हैं मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वह फट पड़ता है, इसलिए अजामिल नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती दे देते तो वह हुए नंबर वन अजामिल। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गंवा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बाबा, नमस्ते।